जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को मोबाइल से घर बैठे बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको अभी तक मालूम नहीं चला तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग इसके फॉर्म 16 फरवरी 2023 से लेकर के 15 मार्च 2023 तक भर पाएंगे। एग्जाम की डेट आपकी 17 अप्रैल 2023 रखी गई है। तो यहां पर आप ये सभी जानकारी चेक कर लेंगे। इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में आप यहां पर आएंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में। और अगर आप यहां पर आपका ARO वाइज नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंडियन आर्मी की वेबसाइट आ जाएगी। आपको एक वेरिफिकेशन कोड डालना होगा, जब आप उसको डाल देंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपका जो ये ब्राउजर है इसमें आपको राइट साइड में तीन डॉट के ऊपर क्लिक करना है। तीन डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है। जैसे आप इन तीन डॉट पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको विकल्प मिलेगा व्यू एज डेस्कटॉप मोड या फिर डेस्कटॉप मोड आपको देखने को मिलेगा, आपको उसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद में आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहां पर गाइस करना क्या है, आपको सबसे पहले अग्निपथ के सेक्शन पर क्लिक करना है और फिर यहां पर आपको यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करेंगे। चेक करने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आती पर्सनल डिटेल, तो आपके पास है आधार नंबर या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, तो आप किस माध्यम से इसमें अप्लाई कर रहे हैं, आधार नंबर या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। अगर आप आधार नंबर से कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें आपके आधार के ऊपर OTP जाएगा, आपको वो डालना है और फिर आप यहाँ पर आपकी जानकारी डिजी लॉकर से फैच कर पाएंगे। बट अगर आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से कर रही है तो आप यहां पर टिक करेंगे। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करें क्योंकि आधार नंबर में OTP आने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए मैं यहां पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया। अब आपको फैच फ्रॉम डिजी लॉकर इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक न्यू विंडो आएगी जहाँ पर आपसे आपका बोर्ड पूछा है कि आपने किस बोर्ड से आपकी 10वीं की है, वो बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर जो भी आपका 10th का रोल नंबर था वो आपको एंटर करना है, किस ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की थी वो ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहाँ पर आपका जो फुल नेम है वो आप एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। देन आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है और यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद में आप फाइंड के ऊपर क्लिक करेंगे। फाइंड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी जहाँ पर आपको कुछ जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि आप यहाँ पर डोमिसाइल स्टेट अपनी सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सी स्टेट के आप स्थायी निवासी है। बोर्ड नेम आपका आ जाएगा, रोल नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन भी यहाँ पर आ जाएगा। मैं ये जानकारी आपको सिर्फ डेमो के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आपको जानकारी भरनी है। इसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका फादर का नेम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। फिर आपको आपकी मदर्स का नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। अपनी ईमेल आईडी आपको यहां पर फिर से एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर आपको यहां पर डालना है, यहां पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद में एक कैप्चा कोड फिल करना है एंड इसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पर फिल किया है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर आगे डालना है और फिर आप आगे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। एंड जो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद का जो प्रोसेस है वो मैं आपको एक अन्य वीडियो से बताने वाला हूँ अन्य वे में, क्योंकि क्या है ना, इस वेबसाइट के ऊपर आप एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड मैं ओवरएज हो चुका हूँ और मैं न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको उस वीडियो से आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ कि कहाँ पर आपको क्या जानकारी भरनी है। उसमें अगर आपको कोई भी डाउट लगे किसी भी जानकारी में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूं मोबाइल से ही कि कैसे आपको बाकी का प्रोसेस फिल करना है, तो आप वीडियो को देखते रहिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब चलिए जो अन्य जानकारी है वो कैसे भरनी है वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। आपकी DOB और नाम यहाँ पर पहले से फिलअप है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा था। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे
देखोगे एजुकेशन डिटेल, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करके ये देना है कि मैट्रिकुलेशन आपने किस बोर्ड से की है, सीबीएसई, आईसीसी, ओपन, अदर या फिर स्टेट बोर्ड। तो हम यहाँ से स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम उत्तर प्रदेश चूज कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन टेंथ सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो दसवीं है उसकी जो मार्कशीट है उसका नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आपकी मार्कशीट के ओपन नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर टेंथ का रोल नंबर एंटर कर दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। इसका जो साइज है वो आपका 200 केबी से कम रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल है वो आपको अपलोड करनी है। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद यहां से आपको ओपन करना है और फिर आपको फाइल का नेम यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, आपको यहां पर जो आपका एलिजिबल क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करनी है। तो बेसिकली यहां से हम ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको चूज करना है कि आपने पास कर लिया फिर अपीयरिंग हो तो हम पास्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर है डेट ऑफ एनरोलमेंट, तो यहां पर बोला है कि एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट्स इन सर्विस ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अगर आप इनसे बिलोंग करते हो, इनकी सर्विस में हो, तो आपको डेट ऑफ एनरोलमेंट डालनी है, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ है क्योंकि आप फ्रेशर हो। फिर आपको यहां पर इस तरफ आना है और आप यहां पर देखोगे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके अलावा यहां पर आई है यानी कि आधार नंबर। तो आपने यहां पर कुछ ऑप्शन चूज नहीं किया, आपने नन सेलेक्ट किया है। अगर आप देना चाहते हो आधार या एनरोलमेंट नंबर तो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आपको सलाह दी जा रही है कि आपको अपना आधार कार्ड जल्दी से बनवा लेना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप यहां पर कोई भी एक क्वेश्चन चूज कर लीजिए, फिर उसका आंसर आपको यहां पर लिख देना है। और यह आंसर आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाओगे और आप इसको रिसेट करोगे, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करके पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहां पर आपको एक पासवर्ड एंटर करना है जिसकी लेंथ कम से कम 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए। जो भी पासवर्ड आपने डाला है उसको कंफर्म कर लेना है और आपका जो पासवर्ड है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपका इंग्लिश का स्मॉल वर्ड, कैपिटल वर्ड, डिजिट, इसके अलावा एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। फिर यहां पर जो कैप्चा कोड आपके सामने है, कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहां पर भरी है इन सभी को अच्छे से चेक करना है और अच्छे से चेक करने के बाद नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपकी एलिजिबिलिटी की इंफॉर्मेशन दी गई है। आप यहां पर ये सभी इंफॉर्मेशन चेक करेंगे एंड नीचे आएंगे और अब आपको यहां पर चेक एलिजिबिलिटी पर भी क्लिक करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ऑटोमेटिकली यहां पर चेक कर लिया है कि आप कौन सी पोस्ट पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो यहां पर जो भी ये पोस्ट दी गई है आप इन सभी पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी के सामने आपको अप्लाई के ऊपर टिक करना है यानी कि क्लिक करना है। अब गाइस जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे आपके सामने यहाँ पर एलिजिबिलिटी का ये पेज आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आप देखेंगे कि चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करने की आवश्यकता भी आपको नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पर देख लिया है वेबसाइट ने आपकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि आप कौन सी पोस्ट पर एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी के सामने आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी इंस्ट्रक्शंस को चेक करेंगे। चेक करने के बाद में अब आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आ चुकी है। आप यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आपको देनी है जैसे कि आपका रिलीजन कौन सा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपका जो क्लास है इनमें से कौन सा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए आपका जो भी क्लास है वो आपको यहाँ पर आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको आपका फोटो और साइन भी अपलोड करना है। आपके फोटो का साइज 5 से 20 KB के बीच में रखा है एंड सिग्नेचर का साइज 5 से 10 KB के बीच में रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है दिए गए साइज के अंदर वो आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसी प्रकार से आप अपना सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप फोटो को रिसाइज करना चाहते तो आप हाउ टू रिसाइज दी फाइल साइज इसके ऊपर क्लिक करके वेबसाइट पर जाकर के अपना फोटो रिसाइज कर सकते हैं। अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी कि GD बेस्ट बुक और प्रैक्टिस पेपर के बारे में जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड ये जो बुक जारी की गई है ये SK बुक्स के द्वारा जारी की गई है। SK बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक जारी करता है एंड इन बुक के माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन कर पाते हैं। तो बेसिकली आपको इन बुक के अंदर क्या मिलेगा, तो जो आपकी GD की बुक है इसमें आपको आर्मी के पेपर्स के अनुरूप यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट सिलेबस के अनुसार समावेशित मिलेगा, टॉपिक्स को एग्जाम्पल के साथ में सिंपल लैंग्वेज में इस बुक के अंदर समझाया गया है, साथ ही प्रत्येक टॉपिक के साथ आपको प्रैक्टिस के लिए प्रश्न भी दिए गए हैं। एंड जो आपका प्रैक्टिस पेपर है उसमें आपको क्या मिलेगा, इस
जिसमें बेसिकली यहाँ पर आपको 50 पेपर्स मिलेंगे जो कि 2500 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह है। प्रश्नों का चयन समीक्षा के परीक्षा के नवीनतम मापदंडों के अनुसार है। एग्जाम में सक्सेस के लिए ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। कठिन क्वेश्चन के हल सहित आपको ये बुक मिलने वाली है और आप यहाँ पर इस बुक को इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर परचेज कर सकते हैं। जिसमें भी आप करना चाहे कर लीजिए। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक को और प्रैक्टिस पेपर को परचेज करने का लिंक दिया है, आप जाइए बाय कर लीजिए। कोई सवाल कोई डाउट हो बुक से रिलेटेड तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, जाइए बाय कर लीजिए। तो यहाँ पर गाइज मैंने डेमो के लिए फोटो और साइन अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आती है, कम्युनिकेशन डिटेल, एक तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे कि हाउस नंबर, फिर जो आपका एड्रेस है वो आप इस बॉक्स के अंदर फिल करेंगे। इसके बाद में जो आपका विलेज का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, आपके सिटी या फिर टाउन का नाम जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद यहां पर आपकी जो ब्लॉक है या फिर लोकेलिटी है यानी कि आपका जो ब्लॉक है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहां पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में आपका जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है आप उसका नाम लिखेंगे, आपका नजदीकी डाकघर कौन सा है आप उसका नाम लिखेंगे, कोई टेलीग्राम ऑफिस है तो आप उसका नाम दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर यहां पर इस तरफ है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहां पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक रहने दे और अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल कर दे। ये जानकारी फिल करने के बाद आप यहां पर चेक करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर मिस सैलेंसेस डिटेल आती है, जहाँ पर आपसे बेसिकली कुछ सवाल पूछे, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर फिर बताना है कि आपके पास इनमें से कौन सा सर्टिफिकेट है। अगर आप नहीं है, आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। एंड यहाँ पर अब आता है हाइएस्ट क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपकी हाइएस्ट क्वालिफिकेशन है 8, 10, 12 वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपके क्या आपके पास वैलिड हैवी लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहां पर यस करते हैं तो फिर यस करने के बाद में आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ये जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस का सेक्शन है ये अगर आपके पास है तभी आप यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही करना होगा। एजुकेशन डिटेल, अब आपको यहां पर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, तो क्वालिफाइंग कोर्स के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है इसमें से वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको आपके बोर्ड का नाम बताना है, अगर आपने आपकी 10वीं स्टेट बोर्ड किसी भी स्टेट के बोर्ड से की है, जैसे कि यूपी बोर्ड होता है स्टेट का, तो आप यहां पर स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका कोई अन्य बोर्ड है सीबीएसई आईसीएसई वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड गाइस यहां पर फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है। इसके बाद आपका जो 10th का रोल नंबर है वो आपको एंटर करना है एंड जो आपका सर्टिफिकेट है 10th की मार्कशीट का वो आप यहां पर एंटर करेंगे। देन आप यहां पर नीचे आएंगे और आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने नीचे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आप इस जानकारी को एडिट भी करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड जो भी आपके पास 10th के अंदर सब्जेक्ट थे वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि इंग्लिश आपने सेलेक्ट किया, फिर आपको इंग्लिश में जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और कितने में से ये नंबर आपको आए थे वो आपको आउट ऑफ मार्क्स के अंदर एंटर करना है, जैसे कि 100 हम यहाँ पर फिल करते हैं। फिर आपको ऐड न्यू रो इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर सेम तरीके से सेकेंड सब्जेक्ट की जानकारी फिल करेंगे। आपको जैसे कि मैंने सेकंड सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, बताना कि हिंदी के अंदर या फिर जो भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपके कितने नंबर आए थे और फिर कितने में ऐसे आए थे वो आप यहां पर आउट ऑफ मार्क्स के अंदर फिल करेंगे और फिर आप ऐड न्यू रो पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर गाइज मैंने सभी सब्जेक्ट के जो नंबर है वो एंटर कर दिए हैं। फिर आपके पास जो 5 के अलावा 6th सब्जेक्ट होगा उसमें आपको अदर्स के सेक्शन सेलेक्ट करना है और जो आपके पास सब्जेक्ट था वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको एंटर करता हूँ और फिर आपको यहाँ पर बताना है उसमें आपके कितने नंबर थे और कितने में से थे वो आप यहाँ पर आउट ऑफ मार्क्स के अंदर फिल करेंगे एंड ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करके इसको भी सेव कर देंगे। तो इस प्रकार से आपकी जानकारी सब्जेक्ट वाइज आ चुकी है। अब आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने आती है एग्जाम सेंटर की जानकारी, तो जो आपकी होम स्टेट है और जो आपकी होम सिटी है वो तो यहां पर ऑटोमेटिकली आ चुकी है। अब आपको फर्स्ट चॉइस स्टेट सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी स्टेट के अंदर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया, इसमें फिर मैं किस सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं एग्जाम सेंटर के लिए वो आपको सेलेक्ट करनी है। इसी प्रकार से आप सेकंड चॉइस किस स्टेट को देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं आपको बता दूं कि आप स्टेट में सभी में चाहे तो एक ही स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, बट जो सिटी है वो अलग अलग होनी चाहिए। तो यहां पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको 5 स्टेट देनी होगी।
होगी एग्ज़ाम सेंटर के लिए कि हाँ आप इन स्टेट में इन सिटी में आपका एग्ज़ाम सेंटर रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने 3 सेलेक्ट की, इसके बाद में हम यहाँ पर 4th में भी आपका जो हमारा उत्तराखंड है पास में इसको सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर गाइज मैंने सभी चॉइसिस दे दी है, ये देने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, आपने जितनी भी जानकारी भरी है आप इन सभी का प्रीव्यू यहाँ पर चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए। अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं फॉर्म तो कैंसिल भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक बार अगर आपने फीस को जमा कर दिया तो फिर आप यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर कोई भी एडिट या मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। एंड जो आपका एडमिट कार्ड है उसके बारे में आपको ये बोला है कि ऑनलाइन CEE एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड 10 से 14 डे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सी एग्जाम, यानी कि जो आपकी एग्जाम डेट है उसके 10 से 14 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे। आप इसी यहां पर लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे। तो गाइज यहां पर आपको पे के ऊपर क्लिक करना है। पे के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, जहां पर आप जिस भी माध्यम से चाहे उसका इस्तेमाल करके अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर पाएंगे। मैं यहां पर इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूं और मेरे पास ये डेमो के लिए इन्फॉर्मेशन है, तो मैं नहीं चाहता कि आगे का प्रोसेस मैं जा करके जिस भी कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन है उसका जो फॉर्म है कैंडिडेटचर है उसको खराब करूँ। बट आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का पेज जाएगा जो कि आप सिंपली जिस माध्यम से चाहे उसका इस्तेमाल करके फीस को जमा कर पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है फीस को जमा करने में तो मैं यहाँ पर हूँ, आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो गाइज ये थी आपकी इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती 2023 फॉर्म के बारे में, और जहाँ पर मैंने बताया कि कैसे आपको ये फॉर्म मोबाइल से भरना है। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।